अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्राइड अनियन बनाना बताएंगे, जिसके लिए हमने दो प्याज को इस तरह अलग अलग काट कर पानी में धो लिया है और इसे हम पानी में उबाल लेंगे। इसे हमने उबालने के लिए रख दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालेंगे कि पूरी गल जाए, सिर्फ ये गर्म हो जाए। और दूसरी तरफ हम ऑयल गरम करने के लिए रख लेंगे। दोनों का टेम्परेचर गरम में बराबर हो जाए फिर हम उसमें उसको फ्राई कर लेंगे। ये हमारे बहुत सारे काम में हेल्प हो जाती है। ये हमारे पास फ्राई रहेगा तो जल्दी जल्दी कोई भी सालन कोरमे में काय में भी फटाफट बिरयानी में यूज़ हो जाती है। तो हम इसे पहले बना के रख लें तो काफ़ी हमारा टाइम कम लगता है। देखिए इस तरह से इसको डालें और ये सब इक्वली बराबर में एक जैसी ब्राउन हो जाए, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बराबर है। प्याज भी गर्म है और हमारा ऑयल भी गर्म है, बराबर बराबर। इसे बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बनाएंगे, मीडियम आंच पर इसे अच्छी तरह भूनेंगे, इस तरह चलाते हुए। देखिए ये सब एक जैसी ब्राउन हो गई है, कोई कम ना ज़्यादा, एक ही जैसी। अब हम इसे प्लेट में उतार लेंगे, अच्छी तरह छान के टिश्यू पेपर पे रख कर हम इसे उतार लेंगे। इसे फौरन जब ये प्याज ब्राउन दिखने लगे हम फौरन बंद कर लेते हैं, क्योंकि फटाफट होने लगती है। ये देखिए इस तरह पूरी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे 8 दिन तक आराम से रख सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में बंद करके, और इसे कोई भी खाना बनाने में फटाफट से यूज़ कर सकते हैं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।